यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए। सूत्रों के मुताबिक 9 सीटों पर आज जारी हो सकती है लिस्ट। मीरापुर की सीट आरएलडी के खाते में है। सूत्रों के मुताबिक कटहरी धर्मराज निषाद, करहल से वीरेंद्र शाक्य या फिर प्रेम सिंह शाक्य को बीजेपी दे सकती है टिकट। गाजियाबाद की सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन, संजीव शर्मा या अशोक मोना को मिल सकता है टिकट। कुंदरकी से शिफाली सिंह या रामवीर सिंह या अभिषेक सिंह को मिल सकता है टिकट। सूत्रों से खबर, सीसामऊ से राकेश सोनकर का नाम फाइनल किया गया। मंचवा से सुचिश्मिता मौर्य, फूलपुर से दीपक पटेल, खैर से 3 नामों में असमंजस है। सुरेंद्र दिलेर, भारत भारती और मुकेश सूर्यवंशी में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस रवाना हुए पीएम मोदी। रूस के कजान में इस बार हो रही है ब्रिक्स की बैठक। पीएम मोदी आज और कल रूस में रहेंगे। आज शाम को नेताओं के लिए रात्रि भोज होगा जिसे व्लादिमीर पुतिन होस्ट करेंगे। रूस में एक बार फिर पीएम मोदी और पुतिन की होगी गर्मजोशी से मुलाकात। ब्रिक्स को लेकर वेस्ट देशों में हड़कंप। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होगी मुलाकात। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की उम्मीद। चीनी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात से पहले भारत चीन में तनाव कम हुआ। सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन के साथ नई पहल की गई है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 52 महीनों से चल रहा सीमा तनाव सुलझ गया है। दोनों देशों के बीच एलएसी पर गश्त और सैन्य तनाव घटाने पर सहमति बनी। पीएम मोदी के दौरे से पहले कजान शहर की तस्वीर सामने आई। लाइट से सजा कजान, भारतीय समुदाय के लोग भी पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी में हैं। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अब इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए हैं। विदेश मंत्री एस्टर शंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। भूटान के पीएम का भारत दौरा रणनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी के रवाना होने से एक दिन पहले भूटान के पीएम दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से मुलाकात की। सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, शहीदों को नमन किया। सिंगापुर के रक्षा मंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। आज दिल्ली में भारत सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों की 6 वार्ता हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजी हेन बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। एमबीए में सीट बंटवारे पर मंथन जारी। शरद पवार से मिले बाला साहेब थोराट, एमबीए के लिस्ट से पहले ये अहम बैठक। मीटिंग में एमबीए सीट बंटवारे पर बातचीत। शरद पवार के बाद अब उद्धव से मिलने जा रहे हैं बाला साहेब थोराट। सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत का बयान। संजय राउत ने कहा महाविकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं, महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक। थोराट वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं, कल तक दिल्ली में थे। आज सुबह शरद पवार साहब से उनका चर्चा होगी, बाद में मातोश्री पर आएंगे, फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे की और हम सब शिवसेना के नेता लोग उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ईसी की आज फिर होगी बैठक। सोमवार को ही बैठक में 63 सीटों पर हुई चर्चा। पार्टी नेता ने कहा 25 अक्टूबर को आएगी पहली लिस्ट। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर एमवीए में लगभग सहमति। संजय राउत का बयान, कोई मतभेद रहेगा तो मिलकर लेंगे फैसला। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने आवास शिव तीर्थ पर बुलाई बैठक। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर चर्चा हुई। महायुति में शिंदे सेना के कोटे में कुडाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं नारायण राणे के बड़े बेटे निलेश राणे। 23 अक्टूबर को शिंदे सिंधुदुर्ग के दौरे पर हैं। निलेश शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अखिलेश ने कहा लगातार हो रही है बातचीत। बातचीत हो जाएगी, बातचीत करेंगे। मुंबई के अंधेरी ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में लगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स पर योगी की तस्वीर के साथ लिखा बटेंगे तो कटेंगे का नारा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मुंबई में सीएम योगी के पोस्टर और संदेश की एंट्री। हाईवे पर लगे पोस्टर में योगी का संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पोस्टर विश्वबंधु राय की ओर से लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के लिए अपने विजन को बताते नजर आए। श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए स्थायी व्यवस्थाएं की जाएंगी, स्थायी आश्रम बनाए जाने की योजना। सीएम मोहन यादव ने कहा उज्जैन में पहले सबके लिए, पहले संघर्ष के लिए अस्थायी डेवलपमेंट हुआ करते थे, इस बार परमानेंट डेवलपमेंट किया जाएगा, सब कुछ पक्का होगा।
ऐसे में स्वाभाविक रूप से हम सबका फर्ज बनता है विकास के मामले में हमारी सरकार उज्जैन में साधु संतों के लिए परमानेंट एक तरह से धार्मिक नगरी का कुछ हिस्सा उनके लिए भी पूरा बनाया जाए। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की बड़ी मुश्किलें, पंजाब सरकार ने दी बेअदबी मामलों में केस चलाने की मंजूरी। पंजाब सरकार ने बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में उन पर केस चलाने को मंजूरी दे दी है। चार दिन पहले एससी ने हटाया था स्टे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोमवार को 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को टिकट मिला। कांग्रेस ने जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार और जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता को उतारा। जामताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह और जरमुंडी से बादल पत्रलेख को टिकट दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी इंडिया गठबंधन के तहत ही 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। लुइस मरांडी सहित 3 पूर्व विधायक जेएमएम में शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट आज जारी कर सकता है प्रत्याशियों की पहली सूची। यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, सूत्रों से खबर। सभी 10 सीटों पर बिना शर्त के समाजवादी पार्टी को देगी समर्थन, जल्द ऐलान संभव। यूपी उपचुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा यूपी में हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य। यूपी उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतारा। कुंदरकी और मीरापुर से ओवैसी ने प्रत्याशी घोषित कर बदले सियासी समीकरण। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, बोले यूपी में उपचुनाव है इसलिए बीजेपी ने जानबूझकर दंगे कराए, पीडीए से डरी हुई है बीजेपी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केपी मौर्य का पलटवार, कहा अखिलेश यादव राज्यभर के गुंडों और माफियाओं के नेता, सपा का माफिया और अपराधियों से रहा पुराना रिश्ता। महाराष्ट्र झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मची तनातनी को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सीट बंटवारे पर बहुत समय बर्बाद करती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक्शन में आरएसएस, संघ ने चुनाव को लेकर रणनीति की जिम्मेदारी सर कार्यवाहक अतुल लिमे को सौंपी। महाराष्ट्र के अकोला में स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की और मारपीट, एक कार्यक्रम के दौरान योगेंद्र से हुई अभद्रता, वंचित समाज उगाड़ी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप। 8 से 2 दिवसीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन को अमित शाह करेंगे इसका उद्घाटन। सम्मेलन में देश भर से 60 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर, दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य विधायकों की मौजूदगी में विधानसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह आज गांधीनगर पार्टी ऑफिस श्री कमलम का शिलान्यास करेंगे। शाम को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती योजनाओं के तहत छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित करेंगे। अमित शाह के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। पीएम ने पोस्ट कर लिखा, वो एक मेहनती नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री लगाएंगे मुहर। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पहले चरण का आज किशनगंज में समापन, भागलपुर से शुरू हुई थी यात्रा। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा, दिवाली और छठ के मद्देनजर 25 अक्टूबर तक सैलरी देने के निर्देश। आज कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी। वायनाड सीट से नामांकन से पहले प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई। 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी। चुनाव से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल और उनकी पत्नी ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। दर्शन से पहले केजरीवाल ने कहा, चलो बुलावा आया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख और उनके परिवार के सदस्य कटरा पहुंचे, मंदिर के लिए रवाना हुए, आरती में भाग लिया, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया। कोलकाता में आरजीगर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स का अनशन खत्म। सीएम ममता बनर्जी से बातचीत के बाद अब भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान हुआ, दूसरे तरीके से जारी रहेगा आंदोलन। जूनियर डॉक्टर पिछले 17 दिनों से अनशन पर थे, सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स की टास्क फोर्स बनाने की मांग को मंजूरी दी।
सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप मामले पर अहम सुनवाई। उच्चतम न्यायालय पत्नी से जबरन संबंध बनाने को अपराध के दायरे में लाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली दंगा के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत और यूपी मदरसा एक्ट से जुड़ी अपील पर सुनवाई करेगा। गांदरबल में टारगेट किलिंग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, टीएलएम के आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़, काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी। गांदरबल समेत 7 जिलों में छापेमारी, सीआईके की टीम ने श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा सहित कई जिलों में छापेमारी की। सीआईके मुताबिक लश्कर के नए संगठन टीएलएम को पाकिस्तान का बाबा हमास चला रहा था, स्थानीय लोगों की मदद से की जा रही थी आतंकियों की भर्ती। बीएसएफ ने पाकिस्तान से पठानकोट आ रही खाली नाव की जब्त, बमियाल सेक्टर में तरना नाले में बीएसएफ को तैरती मिली ये संदिग्ध पाकिस्तानी नाव। पाकिस्तान से भारत में बहकर आई नाव को सीमा सुरक्षा बल की चौकी कर्मियों ने जब्त किया, नाव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 45 मीटर अंदर पाई गई। यूपी के बुलंदशहर में सिकंदराबाद में सिलेंडर फटा, 6 की मौत, 8 जख्मी। सिकंदराबाद के गुलावटी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी के घर में रात 9 बजे लगभग ये धमाका हुआ। जिलाधिकारी के मुताबिक घायलों में 3 की हालत बेहद गंभीर। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा, एक्यूआई 300 के पास सीएम आतिशी ने प्रदूषण को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली में आज से ग्रैब 2 लागू, इसके तहत अस्पताल, रेलवे और मेट्रो सेवा को छोड़ बाकी जगहों पर डीजल जनरेटर चलाने पर रोक। दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण की दोहरी मार, एयर पॉल्यूशन बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचा, यमुना के पानी में प्रदूषण बढ़ा। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में एक्यूआई 328 बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा। नेहरू प्लेस इलाके में एक्यूआई गिरकर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ, पूरे इलाके में स्मॉग की परत छाई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत छाई। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब होने के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा, रेल भवन इलाके में जारी है वाटर स्प्रे का काम। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत तेज, बीजेपी आप एक दूसरे पर फोड़ रहे ठीकरा, आपने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य विशेषकर हरियाणा और यूपी को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा, कहा केंद्र की सरकार के अलावा दिल्ली सरकार एक पैसा प्रदूषण कम करने के लिए खर्च नहीं कर रही। मुझे एक बात बता दें, दिल्ली में पोल्यूशन पे केंद्र सरकार के पैसे को छोड़कर दिल्ली सरकार ने कितने पैसे खर्च किए, जवाब जाते शिमाल 33 करोड़ से ज़्यादा पैसा एनकैप बोलते हैं उसे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया कि आप हवा को शुद्ध रखने के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, सिर्फ 10.77 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार खर्च कर पाई। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में धुंध की परत छाए, दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। रामेश्वर में हुई झमाझम बरसात, तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, कई इलाके जलमग्न, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। कर्नाटक में भारी बारिश, बेंगलुरु शहर के कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। गौतम बुद्ध नगर में स्लम एरिया के बच्चों के लिए एसीपी प्रवीण कुमार सिंह की पहल, स्लम क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश। सेक्टर 39 थाने पर एसीपी ने टीम नन्हे परिंदे के साथ मनाया जश्न, साल 2023-24 के सत्र के लिए बच्चों की ओबीई परीक्षा में सफल होने पर बधाई। दिल्ली में फेमस यूट्यूबर तहलका भाई की दरिया दिली, तहलका भाई ने फ्री सेवा की शुरुआत की जिसमें फ्री ई रिक्शा की सुविधा शामिल है। फ्री सेवा की शुरुआत के दौरान सना सुल्तान भी मौजूद, सना सुल्तान बिग बॉस ओटीटी 3 कंटेस्टेंट भी कार्यक्रम का हिस्सा बनी। कनाडा से भारत बुलाए गए उच्चायुक्त संजय वर्मा का कनाडा पर बड़ा आरोप, संजय वर्मा ने कहा राजनीति से प्रेरित है सारे आरोप। कनाडा में उच्चायुक्त रहे संजय वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी, संजय वर्मा ने कहा खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी कनाडा सुरक्षा खुफिया सेवा के लिए संपत्ति की तरह काम करते हैं।
संजय वर्मा ने दावा किया कि कनाडा की ट्रूडो सरकार खालिस्तानी समर्थकों और चरमपंथियों को प्रोत्साहित करती है, भारत की चिंताओं को नहीं समझते जस्टिन ट्रूडो। संजय वर्मा ने कहा, निज्जर की हत्या में बिना सबूत के ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए। पीएम ट्रूडो ने आरोप लगाया और खुद मान भी लिया कि कोई ठोस सबूत नहीं। निज्जर के पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया था। ट्रूडो का आरोप है कि भारतीय एजेंट से हत्या करवाई गई। भारत के विमानों को बम से उड़ाने की पिछले दिनों 100 से ज्यादा धमकियां मिली। अधिकतर बॉम्ब थ्रेट्स एडम लेंजर नाम के एक्स हैंडल से दी गई। जांच में जुटी है एजेंसीज़।